आज चैत्र शुक्ल पंचमी शनिवार 13 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गुलाबी गणगौर है, आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, कुछ विशिष्ट जानकारियाँ और सूचनाएं आपके लिए प्रस्तुत हैं। आज मेष संक्रांति भी है। आज से प्रभु श्री जी की सेवा में विशेष रूप से सतुआ की सामग्री अरोगाई जानी प्रारंभ हो गई है, इसीलिए आज के दिवस को सतुआ संक्रांति भी कहते हैं। उष्ण काल में यह शीतलता प्रदान करने वाली विशिष्ट सामग्री है, जो नग एवं तरल दोनों रूपों में प्रभु को अरोगाई जाती हैं। आइए अब कुछ विशेष सूचनाएं एवं जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा में प्रधान गृहाधीश्वर गोस्वामी कुल मूर्धन्य तिलकायत महाराज की आज्ञा से प्रथम बार जो बधाई के समाचार पुष्टि संप्रदाय की पीठ को प्राप्त हुए कि हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नगरी में प्रभु रामचंद्र जी का विग्रह पुनर्स्थापित हुआ है, ये हर्ष की बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है। इसी क्रम में हमारे गुरु पूज्यपाद तिलकायत महाराज ने बहुत ही सुंदर आज्ञा की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी जो परब्रह्म के हास्य अवतार हैं, जैसा कि ग्रंथों में भी कहा है, किम आसनम गरुड़ासनाय, किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, लक्ष्मी कलत्राय किम अस्ति देयम, वागीश किम ते वचनीयम अस्ति, कि जो पूर्ण ब्रह्म है, जिनका आसन गरुड़ है, जिनके हृदय में कौस्तुभ मणि विराजमान है, जो स्वयं लक्ष्मी के पति हैं, उन्हें हम क्या अर्पण कर सकते हैं। जीव एक रंचक सेवा कर सकता है, जो हो भाग्य से प्रभु का महाप्रसाद जो जगत विख्यात है, और नाथद्वारा में खाजा प्रमुख है, जिसकी खांड प्रभु को अति प्रिय है, वो प्रभु का महाप्रसाद एक लक्ष खाजा नाथद्वारा से लगा करके अयोध्या तक, यानी पुष्टि पुरुषोत्तम की नगरी से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी तक वितरित हो, जीवों के हृदय में प्रभु का अदर रस बसे, यही मनोकामना के साथ आप सभी को रामनवमी की अग्रिम बधाई एवं शुभाशीष। श्री कृष्णा अर्पण वस्तु। प्रभु श्रीनाथ जी के महाप्रसाद खाजा की जो चर्चा चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा अपने वचनामृत में कर रहे थे, यह उनके दर्शन हैं। संदर्भ यह है कि तिलकायत श्री की आज्ञा से तैयार हुई यह सामग्री जो प्रभु का प्रसाद है, इससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या भेजा जा रहा है। 101 खाजा की यह सामग्री कंटेनर के माध्यम से भेजी जा रही है, जिसके तहत एक कंटेनर को आज
रवाना किया गया। पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री जी के यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या तक यह महाप्रसाद की महायात्रा है। यह महाप्रसाद पवित्रता का ध्यान रखते हुए व्यवस्थित रूप से पैक किया गया है और कंटेनर में जमा कर इसे लॉक करके रवाना किया गया है। इस अवसर पर मंदिर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ से रवाना होकर ये कंटेनर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुँचेंगे, क्योंकि रामनवमी पर अयोध्या में भारी जनमेदनी की संभावना है। कई मार्गों को शायद अवरोधित भी किया जा सकता है, अतः यह एक कंटेनर आज रवाना किया गया है ताकि समय पर वहाँ पहुँच सकें। जबकि कल केसरी गणगौर के शुभ अवसर पर प्रातः 8 बजे मोती महल परिसर में चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा शेष खाजा प्रसाद के कंटेनर को रवाना करेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि जो भावना चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने अपने वचनामृत में अभी दर्शाई है, उसके अनुसार प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बधाई के उपलक्ष में तिलकायत श्री राकेश जी महाराज की आज्ञा से 1,01,000 खाजा का यह प्रसाद वैष्णवों तथा भक्तों में वितरित किया जाना है। जैसे कि प्रभु श्री जी के मंदिर की परंपराएं हैं, विधि विधान से और श्रीनाथ बैंड की मधुर धुनों के साथ इस कंटेनर को रवाना किया गया है। एक और विशेष सूचना आपके साथ साझा करते हैं। कल केसरी गणगौर है, इसके साथ ही प्रभु श्री जी में कल अधिक का 56 भोग अर्थात बड़ा मनोरथ है। अतः प्रभु श्री जी के प्रातः मंगला दर्शनों के उपरांत सीधे राजभोग के दर्शन खुलेंगे, तत्पश्चात सायंकालीन सेवा नित्य क्रमानुसार रहेगी। यदि आप भी कल प्रभु श्री राम की नगरी भेजे जाने वाले प्रसाद के साक्षी बनना चाहते हैं तो प्रातः मोती महल परिसर में दर्शन कर सकते हैं। आप सभी को पुनः आज की गुलाबी गणगौर की खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए अब कल प्रभु श्री जी में हुए हरि गणगौर के उत्सव के कुछ दृश्यों का अवलोकन करते हैं। ये मोती महल से दृश्य हैं, समय सायंकाल आरती दर्शनों के पश्चात का है, जहां हरे रंग के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित ईश्वर और गौरी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जिनके दर्शन वैष्णवों तथा स्थानीय निवासियों ने किए। इसके साथ ही आरती दर्शनों के पश्चात प्रभु श्री जी के मंदिर से प्रारंभ होकर निकली शोभा यात्रा अंत में चपेटा के बाग तक पहुंची, जहां पर मेला भरा हुआ था। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह श्री जी मंदिर के नक्कारखाना द्वार से हैं। शोभा यात्रा की अगुवाई करता हुआ यह श्रीनाथ बैंड है और इनके पीछे चल रहे श्रीनाथ गार्ड्स हैं। सभी ने हरि गणगौर की भावना से ही हरे रंग के साफा पहने हुए हैं। इनके साथ ही ईश्वर एवं गणगौर को लेकर चल रहे मंदिर के सेवक गण भी हैं। इन्हीं ईश्वर एवं गौरी की प्रतिमा को चपेटा के बाग में स्थित मंदिर में पधराया जाता है, जहां स्थानीय निवासी इनके दर्शन करते हैं। आप भी स्वयं को श्री जी की नगरी में महसूस करते हुए वास्तविक आवाजों के साथ शोभा यात्रा का आनंद लीजिए। Thank you.
हाँ भाई, मैं नाजोरा की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज श्रीनाथ जी में तीसरी गणगौर अर्थात गुलाबी गणगौर है। आइए गुलाबी गणगौर से संबंधित कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आज की गुलाबी गणगौर श्री ललिता जी के भाव की है, अतः आज सभी साज एवं वस्त्र गुलाबी घटावत धराए जाते हैं। हालांकि प्रभु को गुलाबी घटावत वस्त्र एवं श्रृंगार धराए जाते हैं, परंतु थोड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब गुलाबी घटा होती है तब शीतकाल होता है और वस्त्र साटन के धराए जाते हैं। अभी वर्तमान में उष्णकाल होने के कारण मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता भी होती है, शीतकाल की गुलाबी घटा के दिन वस्त्र किनारी वाले नहीं होते हैं, जबकि आज के वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुशोभित होते हैं। भोग सेवा के तहत प्रभु को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से चैत्री गुलाब का सिरा अरोगाया जाता है। प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में आज नियम की चैत्री गुलाब की मंडली आती है। श्रृंगार के समय धराई गई पिछवाई ग्वाल के बाद बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं उसमें प्रभु विराजित होते हैं। वहीं मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु इस मंडली में विराजते हैं और आरती दर्शन के पश्चात यह मंडली बड़ी कर ली जाती है। आज चैत्री गुलाब की जिस मंडली में प्रभु विराजते हैं उसकी एक विशेषता और है कि इसमें गोखड़े अर्थात तिवारियां बनी हुई हैं। इस प्रकार की मंडली श्री जी में वर्ष में केवल आज ही के दिन आती है। भोग सेवा की एक और विशेषता भी है, शयन भोग की सखड़ी में
श्री नवनीत प्रिया जी में सिद्ध होकर श्री जी को अरोगाने के लिए गुलाब का सीरा आता है। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवा चल रही है, जिसके तहत आज तीसरी गुलाबी गणगौर के प्रभु श्री जी को श्रृंगार धराए गए हैं। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार नियम के श्रृंगार हैं। इनके साथ प्रभु को आज विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करें। पैररी माले गुलाब सुगंध की, पैररी माले गुलाब सुगंध की। निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए प्रभु के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित दर्शन करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया और बिछियाँ धराई गई हैं, और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है, और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुशोभित है। क्वाल के दर्शनों में यह पिछवाई बड़ी कर ली जाती है, और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली में प्रभु संध्या आरती के दर्शनों तक विराजते हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई गई हैं। जहां गादी एवं तकिया पर गुलाबी बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की गई है, और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। सन्मुख में प्रभु के स्वर्ण जड़ित दो पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर श्री यशोदा जी के भाव से बंटा जी एवं दूसरे पर श्री यमुना जी के भाव से झारी जी पधराई गई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ चांदी की त्रिष्टि जी भी पधराई गई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो सभी वस्त्र प्रभु को आज गुलाबी रंग की मलमल के धराए गए हैं, और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सुथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। प्रभु को धराए गए यह सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते, घटा के भाव के वस्त्र और प्रभु को आज धराए गए वस्त्रों में यही अंतर होता है। प्रभु की पीठिका जी पर भी आज ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के ही धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की ही गोल पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। इस पर आज चमक की
गोल चंद्रिका धराई गई है, साथ में लोम भी धराई गई है। इनके साथ बाई ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा के कर्ण फूल धराए हैं। और विशेष में प्रभु को आज एक हीरा की माला जी हमेल की भांति धराई गई है। फूल घर से होने वाली सेवा के तहत आज प्रभु को विशेष रूप से इस चैत्र माह में होने वाले गुलाब के फूलों की दो सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ गुलाबी मीणा के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट गुलाबी रंग का और गोटी चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई यह आरसी उत्सव वाली आरसी है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में आजब देखी यत बदन, राजभोग में कमल मुख देखत कौन, फूलन की चौखंडी बैठे लाल, आरती में कुसुम गुलाब महल में बैठे, शयन में तेरे री बदन कमल, पोड़वे के पद में छबीले तरुण मदमाते कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। वहीं संध्या आरती दर्शनों के उपरांत श्री कंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं तो शयन दर्शन में श्री मस्तक पर लूम तुर्रा रूपहरी आते हैं। भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्री जी की यह भोग सेवा वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित है और अनुकरणीय है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। कल प्रभु श्री जी में चतुर्थ गणगौर होगी, जो श्री यदुनाथ जी के उत्सव की भावना से केसरी गणगौर होगी। इसी भाव के प्रभु को श्रृंगार धराए जाएंगे, जिनके विस्तृत दर्शन हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Oh,
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।